ये जोड़ा सोच रही हूँ कि बानो की सास को लगा दो, रंग भी ऐसा है बुजुर्गों वाला, और ये जो दो जोड़े हैं ये उसकी दोनों देवरानियों को चले जाएंगे, बाकी घर में मर्दों के जोड़े पड़े हैं मेरे पास, ठीक है ना भाभी? ये कहाँ से भाभी मनहूस? अरे जल्दी जल्दी छुपा छुपा, पता चल जाएगा तो बला। भाभी हाँ, अरे आओ आओ, शुक्र है तुमने भी कसम तोड़ी, ड्योड़ी में दरवाजा खुलता है मगर तुम्हारे पाँव से मेहंदी नहीं उतरती। आपने बुलाया था भाभी? हाँ बुलाया था, सोचा पढ़ी लिखी हो, अकलमंद हो, कोई अच्छा मशवरा दो। ये बताओ कि बानो की शादी में क्या लेके जाऊं? बानो की नहीं, बानो की नंद की। अरे हाँ वही वही। हाँ बानो वापस चली गई क्या? हाँ आज सुबह चली गई, जाते हुए 3,000 भी ले गई। क्या हुआ भाभी, वालदैन अपनी बेटियों पर सारी जिंदगी खर्च करते रहते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हमारी अम्मा तो इन ब्याही बेटों के चोचले पूरे करेंगी, हमारे तो जैसे कोई अरमान ही नहीं है ना। देख मेरी बात सुन, मेरी खाल खिंचवा के सूट सिलवा के पहन ले, ज्यादा टट्टर ना कर। अरे भाभी ये क्या कह रही हैं आप, इसीलिए तो कहा गया है कि मयाना रवि इख्तियार करें और इत्तदाल पसंदी, वरना हम लोगों ने तो नमूदो नुमाइश के लिए शादी जैसे मुकद्दस फरीजे को भी ना बार और बोझ समझने लग जाता है। तुम तकरीरें कर सकती हो भाई, बहुत लंबी लंबे वाज दे सकती हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो, एक औलाद है ना तुम्हारी। अरे मैं तो पूरा टब्बर पाल रही हूँ, ये खर्चा जो है मुंह फाड़े खड़ा है, मैं क्या करूँ, पैसे तुम्हारे अपने, खुद कमाती हो, खाती हो, ऐश करती हो। मैं शादी में नहीं जाऊंगी। अरे तो ना जा, दफा हो। अम्मा अरे वो पुराने कपड़े पहनने तो पहन, वरना घर पे पड़ी सड़ती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। वो पुराने कपड़े और खुद ने जो नए दोस्त हुई सलोन के सूट सिलवाए वो भी नहीं सिलवाती। मेरी औकात है सिर्फ इस्लाम के कपड़े बनवाने को? झूठी कहेगी, चल जा दफा हो यहाँ से। हो रही हूँ दफा। अरे सरासर इल्जाम लगा गई मुझ पे, कसम अल्लाह पाक की जो कभी 300 से ऊपर का जोड़ा पहना हो, सिर्फ इस्लाम का मुझे क्या पता। अरे कोई बात नहीं भाभी, बच्ची तो है वो, उसे कहाँ समझ है, आप तो समझदार है ना। कमाल हो गई। अम्मा अम्मा मैं मसले से काम लेता लेता थक गया हूँ, अब और सब्र नहीं होता मुझसे, इसलिए जा रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत जल्द आऊँगा। तू सच्ची मुच्ची जा रहा है? क्या करूँ अम्मा, मजबूरी है, अभी नालाद में नहीं रह सकता मैं। पर बिल्लू मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी मैं? अम्मा मैं जानता हूँ मैं तुझे मुश्किल हालात में छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तो हिम्मत ना हार ना मेरी माँ, हमारा वक्त भी आएगा। इसको क्यों छोड़ के जा रहे है, इसका भी साथ ही ले जा। अम्मा इसी घर में रहेगी जब तक मुझे कोई ठिकाना नहीं मिलता, और चाची ये बात भूलना कि जितना तेरा हक है ना इस घर पे उतना ही मेरी माँ का भी है। मेरे मुंह ना लगी। मेरे ख्याल से भाभी इतना काफी है। अरे तूने अभी लड़की नहीं ब्याही ना, तुझे नहीं पता बानो के ससुराल वाले तो उसको ताने दे दे के मार देंगे, अभी लिया ही क्या है मैंने। अच्छा सुन, अलीशा को तैयार कर लेना, हमारे साथ जाएगी शादी में। रहने दीजिए भाभी उसे, वो क्या करेगी जाकर? अरे ढोलकी वोलकी बजाएगी लड़कियों के साथ, हमारे साथ और क्या करेगी। मैं इसलिए कह रही थी भाभी कि बानो के ससुराल वाले मुझे कुछ अजीब से मिजाज के लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घर से निकाल देंगे उसे, क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं। वैसे भी मुझे पता है तू उसे हमेशा ददियार वालों से दूर रखती है। भाभी ये बानो के ससुराली अरीशा के ददियाल वाले कैसे हो गए? अल्लाह तू तो बात पकड़ लेती है, पीछे पड़ जाती है तो। अच्छा सुन, वो कुछ पैसे होंगे तेरे पास? पैसे? अब ये ना कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सब जानती हूँ, इतनी तनख्वाह तेरी और खाने वाले सिर्फ दो जी। जी भाभी।
और वैसे भी मैं उधार ही मांग रही हूँ ना, वापस कर दूंगी अगले महीने। तुझे तो पता है नुमान जो है कितने थोड़े पैसे देता है, खर्चा ही नहीं देता दिल खोल के। इतने बड़े घर का खर्चा करना कोई आसान काम है? देगी ना? जी भाभी। चलो ठीक है, मरियम का भी एक जोड़ा बना दूंगी, वो मंदबूस मेरी जान को आ गई है, कह रही नए कपड़े बना के दो। मरियम तैयार हो गई? अरीशा, हम्म, तुमने ये कब लिया? ये कल लिया था मैंने। शादी के लिए? हम्म, वो जो सूट था टेलर ने सिया ही नहीं, फिर जाके मैंने फौरन से बुटीक से एक सूट लिया। कैसा लग रहा है? कमाल है भाई, मुझे तो बताया ही नहीं। कल ही लिया है ना, और उस वक्त तो मेहंदी लगाने गई हुई थी इसलिए। कैसी लगाई? तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई थी? यार वो देर हो गई थी, इसलिए बस फेशियल ही करवा कर आ गई। अच्छा, खैर सब तैयार हो गए? हाँ हो गए। अच्छा ऋषभ, मुझे ना तुम्हारी वो ब्लैक वाली सैंडल चाहिए। वो मैं पहनूंगी। चलो ठीक है, मैं अपनी ही पहन लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अब हरीशा, और कितनी देर बेटा? अम्मी बस हो गया 5 मिनट। और ये क्या बुरी बात है बेटा, इतनी तेज लिपस्टिक? कहाँ तेज है बेटा, इतना तेज मेकअप ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ये डार्क लिपस्टिक लगा कर ना अपना जो कुदरती हुस्न है वो भी मान पड़ जाता है। और मेरी बच्ची, अरे इसको मेकअप की जरूरत ही क्या है, हा? इतनी तो हसीन हो तुम। बस अच्छा सुनो, जल्दी करो, मैं जा रही हूँ, दरवाजा ठीक से बंद कर आना तुम। ठीक है, अब जल्दी कर लो। बस बाल बना कर आ रही हूँ, 5 मिनट। ओए आ जाओ भैया, दिख रहे हो? ओ कब होगी तैयारी? मैं तो सवेरे 6 बजे का तैयार होके बैठा हूँ। लल्ला इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे मोहल्ले वाले समझेंगे आज ईद है, जो बरकत हुसैन तैयार होके जूते शूते कस के बैठा हुआ है। ना हमीदा, राजा आज तो बड़ा लुचकारा है। मां सबके चाय, मेरा शहजादा, अरे मेरा लाल, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अंग्रेजी फिल्मों का हीरो लग रहा है। हाँ माँ, मुझे तो बस तेरा ये बेटा प्यारा लगता है, हम तो सब ऐसे ही हैं। अरे नहीं, तू भी पाकिस्तानी फिल्मों का हीरो लग रहा है बिल्कुल। अरे सुन मरियम से कह जल्दी से मिर्ची लेके आए, मैं अपने बच्चों पे मारूं, वहां जाएंगे नजर ना लग जाए, लोग बेहोश होके गिरेंगे। आ रही हूँ अम्मी। कैसी लग रही हो? बस अब जा रही हूँ। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो, अगर कोई भी तुम्हें गौर से देख लेना तो इस दुनिया के सारे खजाने लुटाने को तैयार हो जाए। मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी किसी इंसान के चंद अल्फाज भी अनमोल खजाने से बढ़कर होते हैं। कौन से अल्फाज? आपके पास मेरे लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो कह दूं? पता नहीं। तो सुनो, I love अर्शी। मैं यही बोल रहा था कि लेट हो गए, आ जाओ भाई। चलो तैयार हो गई तुम? जी बस तैयार हो गई, चले जल्दी करो, देर हो रही। क्या सोच रहे हो अब्रार? कुछ खास नहीं खाना। बेटा ये जो फजूल कस्म के ख्यालात होते हैं ना, ये रास्ते में उगी खुदरा झाड़ियों की तरह होते हैं, इनसे बच के निकल जाना चाहिए वरना इंसान इन्हीं में उलझ के रह जाता है। और तुम तो माशाल्लाह इतने जहीन हो, अभी बहुत आगे जाना है तुम्हें। हालांकि मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ। माँ की वजह से?
जमीला तुमसे भी ज्यादा बाहिम्मत है बेटा, तुम फिक्र ही ना करो, वो सब ठीक कर लेगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। खाला, ये जो सारे रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े गर्ज के होते हैं। कल तक मैं इन लोगों के लिए एक बेकार इंसान था। मैं सोचता हूँ ये जो सलूक आज मेरे साथ कर रहे हैं ना, कल को मैं इनके साथ क्या सलूक करूंगा। बेटा तुम अपनी नीयत को साफ रखो, अल्लाह मदद करेगा। ये मुश्किल वक्त तो गुजर जाने के लिए होता है। बहुत शुक्रिया खाला, आपकी बातों से मुझे वाकई में बहुत हौसला मिला। वरना सच्ची बात तो यह है कि चाचा के रवैये से मैं बहुत मायूस हुआ था। दरअसल उनका कोई बेटा नहीं है ना, वो तुम्हें अपना बाजू बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका गलत था। अच्छा खालो, ये मामू लोग कहाँ पर गए हैं? उनके घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा, इसलिए खाला की याद आ गई, वरना कहाँ आते हो तुम? जानते हो तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करते थे। जब हम शहर आ रहे थे तो बहुत रोई थी वो, उसे भी पढ़ने का बहुत शौक था। सही बात है खाला, आपको पता है पढ़ाई में जितना साथ अम्मा ने मेरा दिया शायद ही किसी ने दिया। ऐसी ही थी वो। हाँ बेटा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, कोई काम हो, मुझे जरूर बताना, वरना मुझे बहुत दुख होगा अगर तुमने खैरियत बरती तो। जरूर कहूंगा खाला, लेकिन पहले मुझे अपने हौसले तो आजमा लेने थे। अगर अभी से दूसरों का सहारा लेना शुरू कर दिया तो जहर पसंद हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। हाँ। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो, अगर कोई भी तुम्हें गौर से देख लेना इस दुनिया के सारे खजाने लुटाने पर तैयार हो। अर्शी बेटा, तुम जानती हो कि इस परफ्यूम की कदर और कीमत किस वक्त तक है? उस वक्त तक है बेटा जब तक ये हवा में तहलील नहीं हो जाती, और जैसे ये हवा में तहलील हो जाती है ना, अपनी बुकत खो देती है। औरत की इज्जत भी बिल्कुल इसी तरह से है बेटा। ये बताओ कि तुम्हें जुबान कैसा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा। मार दे मार दे, एक छक्का तो मार दे, तेरा पला हो जाए, तू या आउट हो जाएगा या छक्का मारेगा, और तुझे कुछ नहीं है। Little bit of swing and he's off the mark with a flick through the leg side. ओए, इसको यहाँ पे तोड़ने की क्या जरूरत है, मेरे सिर पे ढोल दे इसको। मेरी बात सुनो ना, ये यतीम खाना है ना होटल ना सराय, ये लड़का आया है तो ठहरेगा कहाँ? पहले भी तो आता जाता है, आज क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? पहले आता था घड़ी दो घड़ी के लिए, अब तो सामान उठा के ले आया। ओ भाई, अब चाचे से लड़ाई हो गई तो बेचारा आ गया। आधी रात को क्या मैं उसको घर से निकाल देता? मेरी सगी चचाजाद बहन का बेटा है। ये देख, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। ये रिश्तेदारियाँ अपनी अपने पास संभाल के रखो, या वहाँ आटला के घर भेज दो, बहुत फालतू कमरे पड़े हैं वहाँ। मेरी बात सुन, दिमाग ठीक है तेरा? वहाँ घर में सिर्फ दो औरतें हैं, मर्द कोई नहीं है। अल्लाह, तो यहाँ मेरी दो जवान बेटियाँ हैं, क्या हो गया तुम्हें, होश के नाखून लो।
यहाँ मैं बैठा हूँ, इस घर का सरबराह, बस यही रहेगा वो। अच्छा तो फिर ऐसा करो, वो गांव से सबको बुला लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो, वो यहीं आके टिक जाएं, हम चले जाते हैं यतीम खाने में, हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं, हमारा कोई घर नहीं है ये। तौबा है या अल्लाह, तौबा है, वो इतना कुछ दिया था अल्लाह ने ऐसे, अगर एक जबान ना देता तो क्या बिगड़ जाना था। तौबा। शुक्र है इस घर में किसी को कॉफी बनानी तो आती है। अरे हाँ, वो उस दिन आदिला चची ने कुछ कहा तो नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बहुत चुप चुप सी हो गई थी, पता नहीं हर वक्त क्या सोचती रहती है वो। यही सोचती होंगी कि बेटी जवान हो गई है, अब सीरियसली इसके लिए कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। शायद। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उन्हें अंदाजा हो गया, अब एटलीस्ट वो तुम्हारे बारे में कुछ और तो नहीं सोचेंगी ना। वैसे मुझसे पूछ रही थी कि मुझे जुबान कैसा लगता है। तो क्या कहा तुमने? बहुत बुरा। वाकई? मैं दोस्तों के लिए बुके लाता और मुझे आज तक एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया। लगता है गुस्सा गुलाब के फूल पे नहीं है, तुम जाने सो मेरी दोस्त है। दोस्त? आपकी लड़कियां दोस्त हैं? हाँ, साथ पढ़ती हैं तो दोस्त भी होंगी। अरे क्या हुआ, कॉफी तो पीती जाओ साथ, क्या हुआ? अब उसी के साथ बैठ के कॉफी पी जिसके लिए गुलाब का फूल लाए थे। अरे इतनी छोटी सी बात, मजाक कर रहा था मैं। पागल लड़की। फल्ला, कैसे रूखे बाल हो गए हैं, कोई रंग नहीं रहा इनका, लोती औलाद है और माँ को जरा परवाह नहीं। अरे बाल झड़ने लगते हैं, बेजान हो जाते हैं। इतना सुकून मिल रहा है मुझे ताई अम्मी, आपके हाथों में जादू है। अरे मैं जाहिल गवार अनपढ़, मेरे हाथों में भला क्या जादू। सच कह रही हूँ ताई अम्मी, जितनी मोहब्बत आप मुझसे करती है ना, शायद अम्मी भी मुझसे नहीं करती। हाय अल्लाह, तू तो मेरी जान है, जिंदगी है मेरी, कितनी कोशिश की आदला ने तुझे हमसे दूर कर दे, मगर मेरा तो सच में निवाला नहीं उतरता तेरे बगैर। लेकिन वो भी सच्ची है, मैं इतना पढ़ी लिखी औरत है, उसकी अकल का मुकाबला मैं तो नहीं कर सकती ना, और सोचती होगी तेरे लिए कोई अच्छा मिले, कोई अच्छी बातें सिखाए, मैं जाहिल गवार क्या अच्छी बातें सिखाऊं तुझे। ताई अम्मी तू करती है वैसी बातें, बस यूं ही दिल भर आया तो कह दिया, आदला और नबीला तो मुझे कमतर ही समझती है ना। ताई अम्मी कोई कुछ भी समझे, मेरे दिल में आपका मुकाम सबसे ऊंचा। नहीं बच्ची जल्दी, अब तेरी माँ आने वाली है, आजा बाल से ना ऐसे आके बोलेगी। ताई अम्मी आप इतनी अच्छी हैं, पता नहीं वो सुभान किस पे गया। अरे उसकी बातों को दिल पे ना लिया कर, सताता है तुझे और कुछ भी नहीं। घर फैल रहा है, कहाँ है ये लड़की? उफ। अम्मी आप इतनी जल्दी आ गई? ये क्या अर्शी बेटा, अरे दरवाजा खुला हुआ है और पूरा किचन इस तरह से बिखरा हुआ है और खुद गायब हो। कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम बच्ची नहीं रही। सॉरी, वो मैं ताई अम्मी के पास तेल लगवाने बैठ गई थी। मैं तेल लगाऊं तो तुम्हें बुआ आती है ना बेटा? अब आप इतने प्यार से नहीं लगाती ना। अच्छा सारा दिन से तुम घर में थी, क्या किया तुमने?
अरे कम से कम किचन को समेट दिया होता, बर्तन धो लेती, सालन बना के रख देती, क्या किया बेटा तुमने? वो सालन तो बना हुआ फ्रिज में रखा हुआ था ना, इसलिए नहीं बनाया मैंने। बाकी रोटियां मैं 2 मिनट में बना लूंगी और ये भी मैं समय बस नहीं, रोटी भी मैं खुद ही बना लूंगी। अच्छा मैं सर धो कर आती हूँ, फिर बैठ के खाना खाएंगे साथ। ये ड्रामे कब तक चलेंगे? बिल्लू का दफा होने से इस कार के काम नहीं रुक जाने? उठ के कार के काम कर ले, सारे सियापे पड़े हुए हैं, मुझसे नहीं होते काम। तेरा बिल्लू ही मेरी ताकत था, उसी के लिए तो भागी फिरती थी मैं। अब वो गया तो तेरे तो जिस्म से जान निकल गई है, मेरे से नहीं होता काम। नहीं, उसका नाम ना ले मेरे आगे, उसका नाम सुन के ना मेरे तन बदन को आग लग जाती है। मेरी सोनी नैन नक्श वाली थी, जमीन जदादों वाली, हमने सोचा घर की बात है, तेरा भी यहाँ ठिकाना बना रहेगा, पर नहीं, तुम दोनों को इज्जत रास नहीं आई बेवकूफों को। चल उठ, उठ के तंदूर ता, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तोसे पका पका के तुम्हें खिलाऊं। तेरा तरीका ही गलत है कुबरा, मेरा पुत्र तो बहुत ही फरमाबरदार है, हमेशा नजरें झुका के बात की उसने, पर सिर नहीं, बड़ी आन वाला है वो, पर तूने उसे खरीदना चाह उन रोटियों के इवज जो वो इस घर में खाता था। इतना सस्ता नहीं है मेरा इब्रार अली। हाँ मैं देख लेती हूँ, चाचे के बगैर वो कितने तीर मार लेता है। 4 दिन जमाना की आवारागर्दी करके ना ठेठे खा के घर वापस ना आया ना, तो मेरा नाम ही कुबरा नहीं है। तो उसे पका ले, शाम हो गई है। फ्रेश हो गए हो? हाँ यार, काफी थकन थी। अच्छा अच्छा सुभान, मैं तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर लूँ थोड़ी देर के लिए? हाँ यार कर लो। थैंक यू यार। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, अम्मा से कहता हुआ जाऊंगा तुम्हें कुछ खाने के लिए दे जाए। अरे ये तो लेते जाओ। क्या? तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत से लिखी गई नज़्म। मेरे लिए? हाँ है कोई खप्पी सी, सिर्फ वही खपती है, तुम ही खपती हो। माफ करना यार, कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया। वैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है क्या? अरे नहीं यार, ये तो फारिग लोगों के काम है, मेरा वक्त तो अभी हमें रोजगार में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं फारिग हूं? अरे नहीं यार, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं, मेरा मतलब ये है कि नौमान भाई तुम्हारी जरूरियात बहुत ऐसे तरीके से पूरी करते हैं। हर एक की मुख्तलिफ जरूरियात होती हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठने से जरूरियात पूरी नहीं होती हैं। स्ट्रगल सभी कर रहे हैं, चाहे तुम्हारे स्ट्रगल करने का तरीका कुछ और है और मेरा कुछ और। एनीवे अभी नया नया आया हो ना, अभी नहीं समझ, दिखाने के लिए कुछ बताता हूँ। ये भी काटना जल्दी, देख मीठा है के फीका। अरिशा जी क्या? जी क्या खा ले तू भी, तेरा ताया आ गया ना, किसी कुछ नहीं मिलने वाला। अम्मा आप सब लोग बेफिक्र होकर खाएं,
मैंने अब्बा का हिस्सा फ्रिज में रख दिया है। सुभान के लिए रखा है? दोनों के लिए रख दिया है। अरे नुमान तो खाता रहता है, बाहर भी जाता आता है, सुभान के लिए जरूर रखना था। अच्छा आपको बहुत पसंद है। दस्तक कौन दे रहा, बाहर कौन आ गया, तो देख क्या दबा दबा। अच्छा इसकी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी कुछ। लो आ गई नसीहत बीबी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया, कहाँ रह गई थी? भाई मैं तो कई दिन से सोच रही थी, ये कपड़े लाई थी बच्चियों के लिए, लेकिन मोहसिन को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अरे मोहसिन को तो मामी की याद ही नहीं आती, इस तकल्लुक की क्या जरूरत थी? अरे भाई मेरी कौन सी बेटियां हैं, इन्हीं बच्चियों के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ, अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। अरे बन ही जाते हैं ना ऐसे तैसे, कुछ कर ही लेती हूँ गुजारा। अब मैं चाय बना कर आती हूँ। हाँ ले आ चाय। मरियम नुमान को फोन कर, चाय भी सब कुछ देता है। अरे वैसे किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं रात को यहीं ठहरूंगी। अच्छा हाँ जरूर, बड़ी अच्छी बात है, ये खरबूजा तो खा लो थोड़ा सा। अरिशा बेटा आदला कहाँ है, उसको भी बुला लाओ। मैं बुला के लाती हूँ। और भाई साहब कहीं गए हुए हैं? अरे कहाँ होंगे, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं, सारी जिंदगी तो नमाज पढ़ी नहीं, अब इस उम्र में पता नहीं क्या गुनाह बख्शवाने गए, पता नहीं सही तरीके से नमाज आती भी है या नहीं, मुझे तो कुछ खबर नहीं। कितने प्यारे प्यारे कपड़े और बहुत महंगे भी लग रहे हैं, 500 रुपए तुम कौन सा लोगी? जो तुम लोगों में से बच जाएगा मैं ले लूंगी। आप तो हैं नेक परवीन। यार ये बेच कर कितना मजे का है, मैं तो यही लूंगी। सुनो ये मेरे लिए लेकर आई है पुप्पो, दे दो। हाँ पुप्पो हमेशा तुम्हारे लिए तो अच्छी चीजें लाती है। क्या हो गया है, क्यों लड़ रहे हो? पुप्पो जिसके लिए जो लाई है ना वही अच्छा है। ठीक है तो डिसाइड हो गया, मैं ये वाला रख रही हूँ, ये तुम रख लो। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अरिशा ने मुझे अपनी मर्जी से दिया, और वैसे भी आदला चाची अरिशा को ऐसे और भी ड्रेस बना देंगी। इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, एक कप चाय पिला दो मुझे, ये दुकान क्यों खुली हुई है भाई? वो फूफो कपड़े लाई हैं। हाँ लेकिन एक कंफ्यूजन है। क्या? कि इन दोनों में से ये कौन सा रखे और मैं कौन सा? मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मैं रखी हुई, तुम रख लो। मगर तुम तो ये मुझे देने वाली थी ना, लेकिन अब मैं ले रही हूँ। ठीक है फिर तुम ये दोनों ही तुम रख लो। अरे इतनी बार तुमसे कहा है कि मत दिया करो उन्हें उधार, वो कभी वापस नहीं करती, मगर तुम सुनती नहीं हो। अरे नबीला बाद में ताने कौन सुने उनके, तुम अपना खर्च करती हो अपने घर में रहती हो फिर उनसे दबती क्यों हो? तुम नहीं जानती क्या कौन करेगा जहालत का मुकाबला? जहालत के हाथों बेवकूफ बना जा सकता है, पहले वो प्यार मोहब्बत से पैसे बटोरती हैं, फिर पीठ पीछे मजाक उड़ाती हैं। जानती तो हो तुम उन्हें। वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं अकेली औरत हूँ और बेटी का साथ है, वो जैसे भी सही मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, मुझे जरूरत है उनकी। आदला मैं भी तो अकेली औरत हूँ। नहीं नबीला, तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा है और मेरे साथ मेरी बेटी है जिसे रुखसत होकर दूसरे घर चले जाना है। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें अर्शी की तालीम के लिए उसकी शादी के लिए कुछ पैसे जमा रखने चाहिए ना, मगर तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। सच पूछो तो मुझे तुम में और हमीदा भाभी में कोई फर्क नजर नहीं आता, वो उस तरह पैसे लुटा रही हैं तुम इस तरह। अरे नबीला अब रहने दो, छोड़ो भी इस किस्से को। जानती हूँ तुम नहीं समझोगी, कहना ही बेकार है तुमसे, पहले भी देती रही हो अब भी देती रहोगी। जब सब समझती हो तो फिर नसीहतें क्यों कर रही हो? हाँ दुकानें तुमने नौमान के हवाले कर दी, कम से कम उन्हीं की कुछ आमदनी आ जाती। देख ली तुमने अपनी बहन की चालाकियां, खाया ठूसा यहाँ से और पहुंच गई अपनी चहेती के पास। ओ चल तूने कौन सा उसको मुर्ग मुसल्लम खिला दिया? अरे तो मैंने कौन सा हाथ पकड़ा था, ला देते मैं पका देती, ऐसी कौन सी बात थी?
बैठी होंगी सर जोड़ के चुगलियां करने मेरे खिलाफ। मुझे तो हमेशा उन्होंने जाहिल ही समझा। ये तो बात ठीक है भाई, वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, तो तू तो पांचवी फेल है। अच्छा, तो तुम कौन से एम ए पास हो? नहीं नहीं, हमारे खानदान में ना मर्दों की तालीम नहीं देखी जाती, कमाई देखी जाती है। कमाई? बड़ी कमाई देखी मैंने, सब जानती हूँ, कमाइयाँ बहुत खाई मैंने तुम्हारी। अच्छा चल छोड़, इस उम्र में पछताने का क्या फायदा। आदला की मकारियाँ देखी तुमने, कैसी मकार है, पैसे वाली नन के कैसे आगे पीछे फिर रही थी, और उसका भी दिल इन्हीं में अटका हुआ था। ओ भाई, यतीम भतीजी है, भावज का ख्याल रखती है, तो तुझे किस बात का जलापा है? आए, मुझे काहे का जलापा होगा, मेरी जलती है जूती, मुझे कोई जलापा नहीं है। दोनों हाथों से लुटा है यतीम भतीजी पर, मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे ये तुमने बेवा भावज की भी खूब कही, ऐसी होती है बेवा भावज भाई, कमाती है खाती है, जिधर दिल करता है मुंह उठा के चली जाती है। आजादी पैसा दोनों मयसर है, एक औलाद अल्लाह ने दी थी वो मेरी गोद में पल के जवान हो गई, दुकानों मकानों की अखलौती वारिस है, हमसे तो अच्छी आदला ही रही भाई। छोड़ो, मुझे ये बता कि बात क्या, अंदर की बात क्या है? क्या बात होगी, वैसी दो घड़ी तुम्हारे पास आके बैठ गई थी, और तो कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा ख्याल तो अल्लाह ख्याल रखे, तुझे जवानी में भी नहीं आया। अच्छा बात सुन। हाँ, क्या है अब? वो ना अंदर फ्रिज में कटे हुए खरबूजे पड़े हैं। कबर में भी कहना, खाने को ला दो, वहाँ पे भी ना टिकना आराम से, बस हर वक्त खाने की पड़ी रहती है नदीदापन। तौबा भाई, तौबा भाई, ओए इस औरत को, खामद को कबर में भेजने की बात करते हुए इसकी जुबान नहीं कांपती। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। क्या बात है, जब से आई हूँ परेशान लग रही हो। अब कोई बात नहीं है। अपनी दोस्त को भी नहीं बताओगी? अब नबीला, मैं अर्शी की वजह से परेशान हूँ। हाँ, वो बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि उसकी बस जल्दी से शादी हो जाए। लेकिन तुम ही तो कहा करती थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, फिर उसकी शादी करूँगी। अब नहीं कहती। अब क्या हुआ? बस नबीला, तुमने देखा नहीं, उसका दिल इस घर में नहीं लगता, वो अभी तक वहां पर बैठी है भाभी के पास। इस घर से ज्यादा तो उसका दिल वहां पर लगता है। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो अपने घर की हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। घबराती है ना, अकेली है नबीला, वो इतनी लापरवाह हो गई है। अब कॉलेज से आती है बस यहाँ वहां घूमती रहती है, कल कला को कोई बात हो गई तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। बस मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छे से घर में उसकी शादी हो जाए, और प्लीज तुम ऐसा करो ना, कोई अच्छा सा लड़का देखो उसके लिए। भाई साहब ने कुछ बात की उसके रिश्ते के सिलसिले में? नहीं, और मुझे करनी भी नहीं। क्या तुम जानती नहीं उनके रख रखाव को? मैं चाहती हूँ कि उसके लिए अब किसी सुलझे हुए घराने का लड़का हो, भले कम कमाता हो, हाँ पैसे का लालच नहीं है मुझे, शरीफ खानदान हो। बस अब तुम अच्छे से घर में कहीं उसके लिए रिश्ता तलाश करो। अगर ये बात है तो फिर मोहसिन और अरिशा की उम्रों के फर्क को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये रिश्ता भी तो बुरा नहीं है। मोहसिन और अरिशा? ये है जियो।